जंतर मंतर पर चल रहे उस आंदोलन की जिसमें पहलवान इस वक्त लगातार धरने प्रदर्शन को जारी किए हुए हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी इंडिया न्यूज डिजिटल के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी वहां पर साक्षी मलिक के पति के साथ मौजूद हैं। सीधे चलते हैं मनोज जी। राजीव जी, इस वक्त साक्षी मलिक के पतिदेव जो हैं सत्यव्रत कादियान अभी हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ देर में साक्षी मलिक भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। और सत्यव्रत जो है अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि सत्यव्रत, क्या लगता है आपको कि जितना आंदोलन के अंदर खाप पंचायतें जुड़ी हैं, किसान जुड़े हैं, कितना बल मिला है आपके आंदोलन को? ये बहुत बल मिला है क्योंकि वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और हमेशा से ही हमारे को जो है रास्ता दिखाने का काम किया उन्होंने। और आज जब देश की बेटियों की बात है तो वो आगे आए हैं, तो हम इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। ये आरोप लग रहा है कि ये राजनीतिक मंच बनकर रह गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कई अजीबोगरीब किस्म के नारे लग रहे हैं और पहलवानों की कामयाबी में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, तो ये एक विरोधाभास उभर के सामने आ रहे हैं जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने ये आरोप लगाए हैं। नहीं देखिए, देश की बेटियों का जो सम्मान की बात है वो कभी भी राजनीतिक मुद्दा हो ही नहीं सकता है। रही दूसरी बात, हमने किसी राजनीतिक पार्टी को स्पेशली इनवाइट किया नहीं है। दूसरा, और अगर हम तो सबसे पहले बीजेपी को ही बोल रहे हैं कि आप आइए क्योंकि आप रूलिंग पार्टी है। और रहा दूसरा बात कि भाई हमारे साथ जब हम मेडल जीत के आते हैं तो भी सारी पार्टियां साथ आती हैं, और यहाँ पे देश की बेटियों की बात है तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसमें तो 130 करोड़ भारतवासियों को एक साथ आगे खड़ा होना चाहिए। विनेश फोगट का जो एक आरोप था कि 1000 लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ, तो इस तरह के आरोप लगे हैं विनेश फोगट से, जिससे कई भारतीय महिला पहलवान बहुत आहत हुई हैं। उनका ये आरोप है कि हमें क्यों इस मामले में घसीटा जा रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो एक भी महिला का बयान नहीं आया होगा, एक भी महिला पहलवान का बयान नहीं आया कि मैं आहत हूँ। ये तो वैसे ही एक जो है रूमर फैलाया जा रहा है। और हजार सभी की सभी महिला पहलवान नहीं बोला विनेश ने, भाई उनके कॉलेज भी हैं, वहाँ क्या चलता है, कैसे वो मैनेजमेंट है, जब वो महिला जब वो पहलवानों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो वहाँ भी तो। और वहाँ के जो आदमी है, गोंडा के आदमी, कल एक ट्विटर पे आया है एक आदमी, वहाँ के आदमी खुद बता रहे हैं कि उन्होंने कहा क्या वहाँ पे कॉलेजों में किया है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई आहत हुई है या किसी ने इसका विरोध किया। उनका ये भी आरोप है कि साक्षी मलिक उनके कार्यक्रमों में, घर के कार्यक्रमों में आती थी और उनको अपनी शादी पे भी बुलाया, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। उन्होंने कहा मैं 1000 फोटो इस तरह की भेज सकता हूँ। जी देखिए, जो शादी में बुलाने वाला था उसके मैं बार बार ये जवाब दे चुका हूँ। वो खुद ही मतलब उनके फेडरेशन के आदमी कहते थे कि भाई नेताजी को बुलाओ, तुम्हें आगे भी रेसलिंग करनी है, वो नाराज हो जाएंगे। जो भी उनके कार्यक्रम भाई वो तानाशाही करते थे उनके, हमें जो भी वो अपना जो बात कहते थे वो हमें फॉलो करने को मजबूर किया जाता था उनके द्वारा और फेडरेशन के आदमियों के द्वारा। तो इसमें तो भाई जब आप इतने पावर के पद पे बैठे हो और खुल्लम खुल्ला ऑन स्टेज धमकी देते हो और वीडियो वायरल है, कोचेज को ये कहते हो और नए पहलवानों को ये कहते हो कि हम पहलवान बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, तो एक आप एक महिला पहलवान की जो जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया है उसकी मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए प्लीज। लखनऊ में जो पिछला धरना हुआ था, क्षमा कीजिएगा, लखनऊ में जो कार्यक्रम हुआ था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, भारतीय खेल प्राधिकरण का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि किसी तमाम खेल से संबंधित लोगों का था, खिलाड़ियों का था। और बृजभूषण शरण सिंह का आरोप है कि जब खिलाड़ियों से पूछा गया तो साक्षी, विनेश या तमाम जो महिला पहलवान हैं उन्होंने कहा था कि हमें हमारे खेल में कोई परेशानी नहीं है, हमारा खेल बिल्कुल साफ सुथरा है। जो ये कार्यक्रम होते थे फेडरेशन खुद करवाती थी और फेडरेशन के बंदे आके पहलवानों को स्क्रिप्ट देते थे कि भैया आपको ये बोलना है, और वो बोलना इन सभी पहलवानों की मजबूरी हो जाती थी। खाप पंचायतों में से उन्होंने अपील की है और उत्तर प्रदेश की खाप पंचायत अभी तक जुड़ी नहीं है, 16 तारीख को वो जुड़ेगी। आपको लगता है कि ये बृजभूषण शरण सिंह की अपील का असर है? नहीं, सभी पंचायतें जुड़ी हैं, कल इतनी बड़ी पंचायत हुई यहाँ पे, सभी हमारे पास आई हैं और आगे की रणनीति तय की है। एक भी ऐसी खाप पंचायत नहीं जो यहाँ नहीं आई हो, सभी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी हमारे समर्थन में हैं और आगे की रणनीति बनाने में सभी हमारे साथ हैं। चलिए, आपसे हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी से दिखाऊंगा आपको बहुत एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है दूर से, और एक हुजूम यहाँ पर जंतर मंतर की ओर अग्रसर हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ
काफी पंजाब से आए हुए लोग हैं जो 3000 की संख्या में हैं और पटियाला, जालंधर, अमृतसर और वहां के किसान यहां पर जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर इन तस्वीरों में सीधे आप, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले जंतर मंतर से लाइव यहां पर बहुत बड़ी संख्या में पंजाब के प्रशंसक, किसान, खाप पंचायतों से जुड़े हुए लोग यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहां पर बैरिकेड्स के ऊपर से कूद रहे हैं इस समय पंजाब के प्रशंसक। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें सिर्फ इंडिया न्यूज पर। जी हां, इसमें कई उम्रदराज लोग भी हैं। एक 75 साल के व्यक्ति हैं, उनको आप देख सकते हैं 70-75 साल की उनकी उम्र है, वो भी वहां से कूदे हैं और उनके नारे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यही नारे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, और उनका यही एकमात्र उनका लक्ष्य यही है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। जी हाँ, उनका कहना है बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चों के साथ अन्याय वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी में नारे लग रहे हैं, हिंदी में नारे लग रहे हैं और यहाँ बैरिकेड्स को खींचा जा रहा है। ये देखिए, कैमरामैन को कहूंगा कि अपना बचाव करें पहले। ये देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स को खींचा जा रहा है और यहाँ बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जंतर मंतर से लाइव, और इस समय बैरिकेड्स को हटा दिया गया है, खींच कर लाया जा रहा है। जो धरना प्रदर्शन है उसके करीब ले आए हैं पहल ये किसान नेता, और यहाँ कुछ हमारे मीडिया कर्मियों को चोट भी आई है इस सिलसिले में, क्योंकि वो लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। और यहाँ मैं भी अभी भी बाल बाल बचा हूं, जिस तरह से ये बैरिकेड्स को उठाकर नीचे गिराया गया है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुजूम है ये। और जंतर मंतर में अब तिल रखने की भी जगह नहीं है, पूरी तरह से भर चुका है। और यहाँ बैरिकेड्स जो है खींच कर लाए गए हैं, हटाए गए हैं बैरिकेड्स, और पुलिस जो अतिरिक्त पुलिस फोर्स थी वो बस तमाशबीन बनकर देखती रह गई है। अभी थोड़ी देर पहले हम सत्यव्रत कादियान से बात कर रहे थे, जो कि साक्षी मलिक के पति के, उन्होंने कहा कि हम पर जो कुछ भी आरोप लगाए हैं बृजभूषण शरण सिंह ने, वो सब झूठे आरोप हैं, ऐसे आरोपों से बाज आना चाहिए। और उनको जो 1000 महिला पहलवानों से यौन शोषण की बात है, उन्होंने कहा उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा, साक्षी मलिक ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सिर्फ समझने का फेर है। और इस तरह की बातें भारतीय पहलवानों के बीच में आपस में तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पटियाला, जालंधर, अमृतसर, फरीदकोट के किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं और जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जी राजीव, तस्वीरें देख रहे हैं मनोज जी, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए, वो तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, तस्वीरें आपके जरिए टीवी स्क्रीन पर आ रही है। अपने कैमरा पर्सन को बोले तस्वीरें दिखाते रहें, क्योंकि इसी बात का डर था जिस तरीके से बैरिकेड को खींचा गया है, बैरिकेड गिराया गया है, यही इन्हीं चीजों का डर है यहां पर, क्योंकि यही चीजें ट्रिगर करती हैं और बाद में यही चीजें ऐसे धरना स्थल पर एक तरीके से एक हिंसक आंदोलन का रूप भी ले सकती हैं। जो तस्वीरें आप लगातार अपने कैमरा पर्सन के जरिए हमें दिखा रहे हैं, जी बोलिए राजीव, आप देख सकते हैं ये बैरिकेड्स जो है, जो जहां पर पहलवान जो यहां दिखाई दे रहे थे लगातार, उनको बैरिकेड्स को यहां पर गिरा दिया गया है, और जो मुख्य बैरिकेड्स थे वहां से भी बैरिकेड्स उठाकर पटक दिए गए हैं पंजाब के इन किसानों द्वारा। और यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है और स्थिति बहुत गंभीर है, और यहाँ पुलिस बिल्कुल तमाशबीन बनकर ये पूरा तमाशा देख रही है, क्योंकि इतने बड़ी हुजूम को रोक पाना उनको लग रहा है कि उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ मुश्किल से पुलिसकर्मी हैं, 400 से 500 पुलिसकर्मी थे जो जंतर मंतर की जो रोड है वहां पर तैनात किए गए थे। और इस वक्त हम आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे पुलिसकर्मी, जी हाँ पुलिसकर्मियों का हुजूम दिखा सकते हैं। अब पुलिसकर्मी भी आ गए हैं, हरकत में आए हैं, और थाने से कुछ उन्हें निर्देश भी आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पुलिसकर्मी जो अब तक तमाशबीन बनकर दिख रहे थे और अब वो हरकत में आ गए हैं, क्या होगा। और ये देखिए बैरिकेड्स को उठाया जा रहा है पुलिसकर्मियों द्वारा, और ये पुलिसकर्मियों ने, ये वो बैरिकेड्स हैं जो जंतर मंतर की सड़क पर, अशोक रोड से जो रोड आती है जंतर मंतर की ओर, वहां से ये बैरिकेड्स को हटाया गया था। और अब मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा, यहाँ का बैरिकेड हटाया गया है जो आप इस समय देख सकते हैं,
और वहीं पर बैरिकेड्स को फिर से लगाया जा रहा है, लेकिन जो पहलवान है जो पूरी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां के बैरिकेड सब गिरा दिए गए हैं। तो यहां पर पुलिस की चुनौती बहुत ही बढ़ गई है, आप देख सकते हैं कि इसको वापस फिर से लगाया जा रहा है और स्थिति को पुरानी स्थिति में बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव जी, समस्या इसी बात की है, जो प्रदर्शन लगातार मनोज जी चल रहा था उस प्रदर्शन में इन चीजों की शायद जरूरत नहीं थी। जो भी यहाँ पर लोग आए हैं प्रदर्शन करने के लिए वो लोग उनको रोका नहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने सारे बैरिकेड्स को गिराया, उसके चलते कुछ लोगों को जैसा कि आपने भी अभी बताया कि शायद चोट भी आई है वहां पर इन बैरिकेड्स को गिराने के चलते, और इसी तरह की छोटी छोटी घटनाएं ट्रिगर करके बड़ी घटना का रूप ले सकती है। पहले से ही लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, ये जो कोशिश की गई है ये बड़ी भी हो सकती है और शायद पुलिस को उत्तेजित कर सकती है किसी कार्रवाई के लिए। मनोज जी, पुलिस जो है इस कार्रवाई के लिए जवाबी हमला बोल सकती है, लेकिन उन्हें अभी एक निर्देश की स्पष्ट निर्देश का इंतजार है। जो करोटरी पुलिस थाने में जो FIR दर्ज की गई है वहां पर DCP भी हैं, ACP भी हैं, दो ACP हैं श्री गुप्ता और एक दो दूसरे जो DCP हैं वहां से निर्देश का वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थितियां खराब की गई हैं या जो बैरिकेड हटाए गए हैं उन्हें फिर से लगा दिया गया है। यहां आप देख सकते हैं ठीक सामने यहां का बैरिकेड उठाकर फेंक दिया गया था, लेकिन अब बैरिकेड को दोबारा लगा दिया गया है। पुलिस ज्यादा हरकत में आ गई है, बहुत एक्शन में है, लेकिन उन्हें एक स्पष्ट निर्देश का इंतजार है और उसके बाद ही वो कोई एक्शन लेती हुई दिखाई देगी। और इसमें आप देख सकते हैं कई महिला कर्मी भी यहां पर मौजूद हैं, ये फोर्स के RAF फोर्स से ये ताल्लुक रखती हैं और इनका काम भी बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। और आप देख सकते हैं ये है मुख्य द्वार, यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ पर आई कार्ड के बिना अब प्रवेश नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर रोका जा रहा है, पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है पुलिस ने और निश्चित तौर पर यहाँ स्थिति गंभीर होती जा रही है। लेकिन अब बैरिकेड्स जो हैं वहां जहां धरना प्रदर्शन चल रहा था, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो भी दिखाएं, क्योंकि वो जो बैरिकेड्स गिराए गए थे उन बैरिकेड्स को फिर से लगा दिया गया है पुलिस द्वारा, लेकिन उन बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं पंजाब के लोग और खासकर पंजाब फरीदकोट पटियाला और जलंधर से काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और वहां बैरिकेड्स एक बार फिर से लगा दिए गए हैं। तो अब क्योंकि पंजाब से 500 का एक जत्था आया था और जो यहाँ पर नजदीक में रकाबगंज गुरुद्वारा है वहां पर वो रुका हुआ है और वो यहाँ पर पूरी तरह से घटना पर नजर बनाए हुए हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन को उकसावे वाली कार्रवाई में बदलने की कोशिश जो है, हाँ बात कीजिए इनसे। जी हाँ, क्या कहेंगे आप किस चीज के बारे में? जो कुछ धरना प्रदर्शन है और जिस तरह से बैरिकेड तोड़े गए हैं, कितना आक्रोश लोगों में दिखाई दे रहा है। आक्रोश, आज बेटी का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है, भारत की बेटी का सवाल है, बैरियर का पता ही क्या तोड़ना पड़ेगा। मोदी जी देख लो, आज इज्जत बेटी का सवाल है, भारत की बेटी का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। पहले रोजी के लिए आंदोलन किया था, रोटी के लिए आंदोलन किया था, आज हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मोदी जी देख लो, संभल जाओ, सुन लो इनकी, सुन लो, न्याय दुआ दो बेटी को, न्याय दुआ दो। ये देखिए कितना आक्रोश भरा हुआ है यहाँ पर आई जो जनता है, जो दूर दराज से आई हुई है, ये मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखते थे ये सज्जन जो बोल रहे थे और यहाँ पर कर्नाटक से भी एक सज्जन आए हुए हैं, पंजाब के तो यहाँ पूरा ऐसा पंजाबमय वातावरण बन गया है क्योंकि यहाँ काफी संख्या में किसान मौजूद हैं जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, फरीदकोट के बहुत लोग हैं, पटियाला से बहुत संख्या में यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अगर आप कुछ कहना चाहें इस पूरे धरना प्रदर्शन के बारे में, क्या कहेंगे, कितना मनोबल बढ़ेगा पहलवानों का आप लोगों के आने से? ये और भी बढ़ेगा जी, और भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ये तो शुरू हो रहा है, आने वाले दिनों में एक महीने के तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन 15 दिन के बाद कहा गया है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरी तरह से धरना प्रदर्शन जो है राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा। बिल्कुल चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। रोड इनसे भी इनसे ये भी पूछिएगा मनोज जी कि जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है और उसको समर्थन देने पहुंचे हैं तो बैरिकेड्स तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों उस चीज को उकसाने की कार्रवाई इन्होंने की? एक पैनल से हमारे एक सवाल है आपके लिए कि बैरिकेड्स तोड़ने की नौबत क्यों हुई? शांतिपूर्ण धरना था, प्रदर्शन था, आप अपनी बात का कहने का आपका अधिकार है, लेकिन बैरिकेड्स तोड़कर और जिस तरह से स्थिति को थोड़ा सा विकराल रूप दिया गया उससे आप कितने नाराज हैं या कितने क्या मानते हैं? है, हम मंगलासा में इकट्ठे हुए थे, पुलिस हमें वो रास्ते पे लेकर जहां पर आई है, पुलिस ने रोड बनाया है,
हरा रूट बनाया है, रूट में आगे फिर इन्होंने बैरीगेड कर रखा है, वो भी जमा के धरने के नजदीक धरने के बिच, हुण तां इत्थे उपड़ी गया, इत्थे तां बैरीगेड लगाने का कोई मतलब ही नहीं सी था ना, इस तरह हम पहुंच ही गए, उत्थे बैरीगेड लगाया, इत्थे हमने पहुंचना है, ये तो कोई मतलब नहीं ना। नहीं, लेकिन रास्ता तो है ना, वहां पर पुलिस भी तैनात है, वो आप देख सकते हैं। इतना 2 लाख लोग ने नंगना है, इतना रास्ता है, वो तो हम 2 दिन लग जाएंगे उसको, तो जे इतना कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। कितनी संख्या में पंजाब से लोग आए? तो मेरे साथ होना था 2 लाख होगा जी। 2 लाख हो जाएंगे? 2 लाख लोग हो जाएंगे पूरे पंजाब से? बिल्कुल हो जाएंगे जी, बिल्कुल हो जाएंगे। इनका कहना है 2 लाख तक ये संख्या हो जाएगी पंजाब के लोग जो हैं यहाँ पर आने वाले हैं दिल्ली में, और अभी तो 3,000 लोग हैं, ये एक ट्रेलर है और उसके बाद ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और ये और भी ज्यादा विकराल रूप धारण करेगी अगर 15 दिनों तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तो। मनोज जी तस्वीरें दिखाइए, मनोज जी उधर जहाँ पर ये धरना इस वक्त चल रहा है वहाँ पर हालात क्या है, और साथ ही क्या आज कुछ और बड़ी हस्तियां स्पोर्ट्स की शामिल होने वाली है? देखिए स्पोर्ट्स की हस्तियां धीरे धीरे यहां पर आ रही हैं और आप देख सकते हैं यहां पर धरना प्रदर्शन, और यहां पर आप काफ़ी संख्या में पंजाब के लोग हैं, ये सोमवीर को आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, विनेश के पति हैं और ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती के पहलवान हैं और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। कुछ देर पहले हमारे इंडिया न्यूज़ के मंच पर भी ये आए थे और इन्होंने अपील की थी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखें, लेकिन उनका कहना है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब के बहुत बड़ी संख्या में हुजूम यहाँ पर आया हुआ है और मुजफ्फरनगर से भी इसमें कुछ लोग मौजूद हैं, और जो आरोप अब तक लगता था कि यहाँ पर केवल हरियाणा के लोग हैं उसका उन्होंने एक तरह से मुँह तोड़ जवाब दिया है। और अभी जैसे कि आपने एक व्यक्ति को, एक आंदोलनकारी को सुना कि यह संख्या 3,000 नहीं, आने वाले समय में 2 लाख तक पंजाब से लोग यहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और बैरिकेड्स हटा दिए जाएंगे क्योंकि यहां 2 लाख लोगों के बैठने की जगह नहीं है, ये जगह पूरा अशोक रोड को वो भरने की उनकी योजना है जी, अशोक रोड को भरने की योजना है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, मनोज जोशी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी पुलिस किस तादाद में मौजूद है, क्योंकि अभी जो कुछ भी सामने आया पुलिस इस घटना का भी संज्ञान लेगी और इस बात की उम्मीद करते हुए कि अगर हालात बिगड़े तो इससे ज्यादा कहीं संगीन हो सकते हैं, तो क्या पुलिस अब आपको उम्मीद है कि पुलिस अब बढ़ाई जाएगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, संख्या बढ़ेगी निश्चित तौर पर क्योंकि यहाँ अभी तक 500 से 600 पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन कल जो यहाँ खाप पंचायतें आई थी, किसान आए थे, तो ये संख्या 2,000 के आसपास थी पुलिसकर्मियों की, लेकिन अब यहाँ 500 से 600 हैं, इस संख्या को बढ़ाया जाना तय है क्योंकि उनके काबू में नहीं आ रही थी पुलिस के ये भीड़, क्योंकि बैरिकेड्स को जिस तरह से हराया गया, हटाया गया, तोड़ा गया, बैरिकेड्स पर जो है किसान जो है चढ़ गए थे और वहां पर किसी को गंभीर चोट भी आ सकती थी, लेकिन अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरना प्रदर्शन में बहुत ही गंभीर स्थिति बन गई है। आप दूर देख सकते हैं बजरंग पुनिया को आप देख सकते हैं जो कुछ देर पहले हमारे लाइव आए थे हमारे इंडिया न्यूज पर, और उनसे मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि अब जब प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हमें यह सब करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, लेकिन हम कुश्ती के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। और तो और आज उन्होंने लंबा सेशन प्रैक्टिस का बिताया क्योंकि यहां पहले जंतर मंतर पर ही अभ्यास का सिलसिला चलता था, प्रैक्टिस चलती थी, लेकिन आज जो है इन्होंने बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया, मैट पर अभ्यास किया, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में काफी संख्या में पंजाब के तकरीबन 3,000 लोग यहां पर आ चुके हैं जो गुरुद्वारा रकाबगंज गुरुद्वारे में रुके हुए थे और यहां पर जो है पहलवानों के समर्थन में वो दिखाई दे रहे हैं, और उनका यही कहना है कि बच्चियों का मामला है और बच्चियों के साथ किसी भी तरह का वो अन्याय नहीं होने देंगे जी। बच्चों का मामला, बच्चों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे, इस पर जांच भी शुरू हो गई है, महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, दिल्ली पुलिस इस मामले में महिला पहलवानों से बात करके बहुत जल्द बृजभूषण शरण सिंह को बुलाने की तैयारी में है, लेकिन पहलवान लगातार अपनी बात पर कायम है, गिरफ्तारी से कम पर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है और उसी को लेकर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज सुबह तक तो स्थिति ये थी कि बैरिकेड्स लगे हुए थे, पहलवान मौजूद थे, लेकिन दूसरी तस्वीर गौर से देखिए, पंजाब से आए किसानों का ये जत्था, इन्होंने बैरिकेड्स गिराए और बैरिकेड्स को घसीट कर ले जाकर दूसरी तरफ कर दिया और फिर इस बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए। ये हालात ट्रिगर करने वाले हालात हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब तक पुलिस को जिस रूप में देखा जा पाया है, जंतर मंतर पर पुलिस ने काफी
यहाँ पर अपने को रिस्ट्रेंट बरता है, पुलिस ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, बाद में इन बैरिकेड्स को वापस उनकी जगह पर लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो नजदीकी बैरिकेड्स है वो हटाए जा चुके हैं किसानों की तरफ से। मनोज जी हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या आज भी किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई वक्त निश्चित किया गया है पहलवानों की तरफ से सार्वजनिक रूप से? अब तक क्या हुआ 16वां दिन? अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो पंजाब से आया हुआ जत्था है उनसे हम जरूर जानना चाहेंगे इस बारे में कि ये जो बच्चियों के आंदोलन में आपकी जो भागीदारी हुई है तो इससे आपको कितनी उम्मीदें जगती हैं और क्या लगता है आपको कि कितनी जल्दी न्याय मिलता हुआ दिखेगा, कितना दबाव बनेगा? हमारी जी जथेबंदी है भारतीय किसान यूनियन एकता भटेड़ी कलां, जो साडा जथेबंदी आई है कि अपने जेडे पहलवान ने उन्होंने संबंध में जो उन्होंने धोखा होया है, बलात्कार होया है, वो माड़ा होया है। इनका कहना है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, ये कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, बलात्कार ही है, बलात्कार से कम नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना ये सब चीजें हुई हैं और ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी हाँ, इसके अलावा ये कहना चाहोगे तुसी? जी, ये देखो पहलवान है, देश का नाम निकलता है, जो कोई पहलवान बनता है अपने दारा सिंह का पहलवान था ना, उसने दो खून करे, खून करके उन्हें फांसी की सजा हुई, फांसी की सजा हुई, वो तो बाद वो उन्होंने कहने लगे किनसे कौन से दारा सिंह की बात कर रहे हैं? दारा सिंह पहलवान जेड़ा है बड़े दूसरे वाले। हाँ, ये वो दारा सिंह नहीं है जिन्हें आप रामायण सीरियल में देखा करते थे, ये दूसरे दारा सिंह हैं जिनका ये जिक्र कर रहे हैं। मनोज जी, इनसे ये पूछिए कि आज पहुंचे हैं, इनका कब तक जंतर मंतर पर रहने की इनकी तैयारी है, क्या सोचकर यहाँ पर आए हैं? एक सवाल आया है और कि आपका यहाँ पर कितने दिन तक का कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ 15 दिन का कार्यक्रम अल्टीमेटम दिया गया है। आप आए हैं, कल आए हैं यहाँ पर और 3,000 की संख्या में, और आप मुझे बताया गया कि ये संख्या बढ़कर 2,00,000 तक पहुँच सकती है, कितने दिन यहाँ रहने का आपका कार्यक्रम है? देखो साडा इन्हां नाल चलदे ही रहना है, जदों सानूं हुक्म हुंदा ना असीं उस मौके आउंदे हां, नाल साडी जथेबंदी आ, असीं नाल जरूर इन्हां दे समर्थन दे रहे हैं, इन्हां दे नाल चलदे रहांगे, मिलाते जाते रहेंगे। जब तक भी इंसाफ नहीं मिलेगा हम धरने पे ऐसे ही रहेंगे, इनके लड़कियों के साथ इनके साथ ही रहेंगे, और बदल बदल के जैसे जैसे 2,00,000 का एंटीमेटम दिया है उसमें से 10,000 आगे 20,000 चले गए, ऐसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इनका कहना है कि आते रहेंगे जाते रहेंगे, पहलवानों का समर्थन जारी रहेगा, बस करेक्टर बदल जाएंगे लेकिन संख्या में कमी नहीं होने देंगे, और बच्चियों के इंसाफ का मामला है उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ऐसा पंजाब से आए किसान यूनियनों का कहना है। जी ठीक है, मनोज जी आप बने रहिए वहां पर, तस्वीरें हम आपके जरिए लगातार देखते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहिए, बने रहिए। 6 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं इस आंदोलन से जुड़ी हुई, इस धरने प्रदर्शन से जुड़ी हुई, ये 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। पहलवानों की पुकार है, ब्रजभूषण अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार है, ब्रजभूषण सिंह से क्यों नहीं पूछताछ की गई, क्यों नहीं ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया गया, पॉक्सो एक्ट के तहत भी ये मामला दर्ज किया गया है, 7 महिला पहलवानों ने अपनी बात दर्ज करा दी है, उसके बावजूद कितनी देर है, आखिर दिल्ली पुलिस क्यों इतना वक्त ले रही है? लेकिन यह बात सही है कि दिल्ली पुलिस ने सवालों की लिस्ट जरूर तैयार की है। ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, खाप का समर्थन मिला है, किसान पहुंचे हैं समर्थन के लिए, ब्रजभूषण भी अपनी सफाई दे रहा है। मनोज जोशी हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, इस बीच इन 6 तस्वीरों के बाद आपका ही रुख कर लेते हैं, दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के बयान तो दर्ज कर लिए, अब जो सवालों की लिस्ट है क्या कुछ पता चल पा रहा है कि दिल्ली पुलिस अब कब ब्रजभूषण को बुलाने की तैयारी में है, वो भी WFI के चीफ हैं अभी तक, और कब वो सवालों के जवाब देने आगे जाएंगे? देखिए 161 के तहत जो है पूछताछ हो चुकी है सभी शिकायतकर्ताओं की, लेकिन पहलवानों की मांग है कि 164 के अंतर्गत एक पूछताछ होनी चाहिए। 164 में आपने दर्शकों को बता दूं कि ये वो धारा होती है जिसके अंतर्गत जो है जो मजिस्ट्रेट है उसकी जांच होती है, मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान रखने होते हैं और ये कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं, वो काम शुरू नहीं हुआ है जी, और ये बयान कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
सही कहा आपने, और उन बयानों का इंतजार कर रहे हैं, और वही सबसे बड़ी मांग है पहलवानों की। और पहलवान कह रहे हैं कि अभी तक उनको जो धरना प्रदर्शन नंबर वन था जो जनवरी में हुआ था, उसके साथ उनका बहुत बड़ा छलावा उनके साथ हुआ, और अब इसीलिए उन्होंने राजनीतिक दलों को यहाँ पर आमंत्रित किया। जब उनसे पूछा गया पहलवानों से कि जब यहाँ पर आपके मंच का इस्तेमाल गलत कारणों से हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपको सरकार ने बहुत बड़ी मदद की, आपकी पदक तोड़ जो पदक रिकॉर्ड तोड़ जो कामयाबी थी, जो आपको पदक हासिल हुए, उसमें सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन आप ही के मंच पर सरकार विरोधी नारे लगते रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने किसी को नहीं कहा नारे लगाने के लिए, अगर कोई जाकर ऊटपटांग बोलता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हम हर एक से यही अपील करते हैं कि हमारे धरने को शांतिपूर्ण तरीके से उसको अंजाम दें और किसी भी तरह की ऐसी अपरिहार्य स्थिति से बचा जाए। इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी मनोज जी कि इस मंच का इस्तेमाल अगर राजनीतिक दल आते हैं तो अपने व्यक्तिगत फायदों, अपनी पार्टी के फायदों के लिए जरूर करेंगे, और वो चीजें पैदा होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन पहलवानों का कहना है कि उन्होंने इससे दूरी बनाई हुई है। आप कोशिश कीजिए एक बार फिर वहां जाने की जहां पर सबसे पहले बैरिकेड्स को खींच कर गिराया गया, वहां से खींच कर ले जाया गया, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच मैं आरजू सेठ की राकेश टिकैत से बातचीत दर्शकों को दिखा देता हूं, जिन्होंने राकेश टिकैत से बातचीत की है। बात करने के लिए राकेश टिकैत जी मौजूद है। राकेश जी, महापंचायत का ऐलान किया गया, भारी संख्या में लोग आए। नहीं नहीं, महापंचायत का ऐलान नहीं, सिर्फ खाप पंचायतों के प्रतिनिधि आएंगे, बड़ी भीड़ नहीं आएगी। ये बताइए कि आगे की रणनीति आज तय होगी क्या? तय होगी। हमारे साथ बात करें तरीके से, क्योंकि अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तो बंद कर देना चाहिए। हाँ करेंगे, कहाँ है वे, उनसे बात करवाओ हमारी आज। हाँ हम भी बात करेंगे आगे की रणनीति को लेकर, क्या कहना? रणनीति बनाएंगे, यहाँ पे खाप पंचायत के लोग आ रहे बनाएंगे। हमसे सुन रहे थे राकेश टिकैत, हमसे बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि आज पहलवानों के साथ मिलकर रणनीति बनाने की बात की जाएगी और इसी को लेके आगे की जो प्लान है उसको तैयार किया जाएगा। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़।